हेलो दोस्तों, आज हम स्पीड एंड डायरेक्शन मॉनिटरिंग मीटर की स्पीड प्रोटेक्शन लिमिट को सेट करेंगे, जिसके बारे में इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। जो हमारा यह स्पीड का 1553 मॉडल है, जो अभी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, इसमें अप डाउन इंटर बैक एंड प्रोग्राम चार बटन होते हैं। सबसे पहले इसमें हम इसके प्रोग्राम मोड में जाने के लिए प्रोग्राम एंड इंटर दोनों बटन को 2 सेकेंड के लिए प्रेस करेंगे, जिसमें हम इस मीटर के प्रोग्रामिंग मोड पे चले जाएंगे। इसके बाद जो हम इसमें प्रोग्राम में सबसे पहले इसमें जो लिखा हुआ आ रहा है P0000, तो इसके लिए सबसे पहले हम इंटर बटन को दबाएंगे। इंटर बटन दबाने के बाद हमारे जो पी के बाद नेक्स्ट 2 डिजिट है उस पे हमें जाना है बैक एरो से। उसके बाद हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसके 6 नंबर मोड पे कर रहे हैं, तब हम अप एंड डाउन एरो से उसको 6 पे ले जाके हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये जो मीटर हमारा स्पीड के लिए प्रोग्राम किया गया है, इसमें हम वो स्पीड डालेंगे जिस स्पीड पे हमें मशीन को ट्रिप करानी है। सपोज़ करो हमारी मशीन है 250 RPM की, अगर वो 300 RPM तक जाए तो उतने पे वो ट्रिप हो जाए, जिससे हमारी टरबाइन सेफ रहे। तो अप एंड डाउन एरो से हम सबसे पहले इसमें स्पीड को सेट करेंगे जिस स्पीड में हमें मशीन को ट्रिप करवाना है। वो स्पीड सेट होने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, जैसे जैसे मैंने वीडियो में भी दिखाया गया है, और उसके बाद उसको प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्राम बटन को दबा के हम फाइनली बाहर आ जाएंगे प्रोग्रामिंग से। जो पूरा फोटो में भी एंड वीडियो में भी पूरी तरह डिस्क्राइब कर रखा है। अगर इस वीडियो से कोई क्वेरी है, कुछ है, तो आप हम मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।